शुक्रवारी तालाब के पास शनिवार को चल रहे अठौड़ी बाजार के विरोध में टाटा पारसी के छात्रों ने गांधी आंदोलन किया। भारत सरकार देश में लड़कियों की भ्रूण हत्या और पढ़ाई के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला रही है, मगर इसी स्लोगन को लेकर आज शहर की लड़कियां राज्य सरकार मनपा और पुलिस प्रशासन अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रही है। शहर में मनपा की ओर से आठवड़ी बाजार पर अतिक्रमण कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई का विरोध और समर्थन दोनों हो रहे हैं, मगर शहर का एक ऐसा बाजार है जिसे लड़कियों को पढ़ाई से रोक रहा है। शुक्रवारी तालाब के पास टाटा पारसी गर्ल्स स्कूल एंड जूनियर कॉलेज है। ये स्कूल दशकों से शिक्षा देने का काम कर रही है, मगर अब स्कूल की लड़कियों को इसका कारण है स्कूल क्षेत्र में चलने वाले शनिवारी बाजार। इसे चोर बाजार भी कहा जाता है। बाजार में दुकान लगाने वाली ही स्कूली लड़कियों के लिए समस्या बन गई है। इस मामले में हमारी टीम ने स्कूल के ट्रस्टी से बात की तो उन्होंने जो बताया वो हैरान करने वाला है। ट्रस्टी ने बताया कि शनिवार के दिन स्कूल की लड़कियां स्कूल से बाहर नहीं निकल सकती। स्कूल गेट के सामने ही दुकानदार दुकान लगाते हैं और इतना ही नहीं वे स्कूल के लड़कियों से छेड़छाड़ भी करते हैं। आज ये जो गांधीगिरी का कार्यक्रम हमने यहाँ पर किया है वो इसके लिए है कि हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं उनको प्रोटेक्शन देने के लिए है। खास वो चोर बाजार वाले हमारे फुटपाथ तक यहाँ पर आ गए हैं और बहुत न्यूसेंस कर रहे हैं। वो बेचते हैं, सब क्राउड करते हैं, हमारे बच्चे लोगों को बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता, अंदर आने का रास्ता नहीं मिलता है। और ये लोग जो वहाँ जमा होते हैं लोग बाय करने के लिए, उसमें बहुत सारे बदमाश लोग रहते हैं और वो हमारे बच्चों के साथ में बहुत बदतमीज़ी करते हैं। मोलेस्टेशन हुआ है किसी का, कभी चोटी खींचते हैं, कभी लड़कियों को कहीं भी हाथ लगाते हैं। ये सब चीज़ें हम लोग नहीं टॉलरेट कर सकते हैं। अब तो कौन सा दूसरा रास्ता है हमारे पास में? ये गांधीगिरी हमने अपनाया है और उससे भी कोई फ़र्क पड़ेगा तो ठीक है, नहीं तो ये जो आज हम लोग चालू किया है वो कंटिन्यू रहेगा काफ़ी टाइम के लिए। जी पुलिस वाले तो हमको बहुत सपोर्ट करते हैं। आज मैं खुश हूँ ये बताने के लिए कि उन लोग आते हैं, सब कुछ करते हैं, उनको भगा देते हैं, पर जैसे वो लोग जाते हैं वो वापस आ जाते हैं और वो सिर्फ उनकी एक्टिविटी सब पूरी चालू हो जाती है। तो ये कहाँ तक हम लोग टॉलरेट करेंगे? ये साल है 2020 जब हमारे स्कूल की सेंटेनरी सेलिब्रेट कर रहे हैं और उस वक्त हमको ये ऐसे प्रोग्राम लेने पड़ते हैं, कितनी शर्म की बात है। और ये भी रूल है एक्चुअली कि जहाँ स्कूल्स है वहाँ 100 मीटर्स तक कुछ भी होना नहीं चाहिए, कोई दुकान नहीं, कुछ नहीं। और यहाँ पर आप देखेंगे एक मंदिर है तो मंदिर के समान वो यूज़ नहीं होता है। वहाँ पर ड्रग्स बेची जाते हैं, बच्चे लोगों को ड्रिंक्स दिए जाते हैं जिसमें वो गोली डालते हैं। मैं क्या बताऊँ आपको, इतना हम लोग को प्रॉब्लम है कि मैं बयान नहीं कर सकती थोड़ी देर में। मंदिर है, मंदिर के समान आप यूज़ करो। यहाँ पर भी आपको यदि कुछ करना है तो थोड़े डिस्टेंस से दूर जाओ आप। ये जो बगीचा है अपना शुक्रवारी तालाब का, तो वहाँ से उस तरफ जाओ ना, हम लोग ना नहीं बोलते हैं। 100 मीटर्स दूर रहना चाहिए, ये कायदा है, पर कोई कायदा भी नहीं पालता है और कुछ नहीं। पुलिस भी करेंगी तो क्या करेंगी, वो हमेशा आते हैं, दे आर कोऑपरेटिंग विद अस। महिलाओं के लिए राज्य में सक्षम कायदा बना हुआ है, इसके बावजूद उन्हें सुरक्षा के लिए गांधी आंदोलन कर गुहार बांधनी पड़ती है। इस पूरे विषय पर गणेशपेट के पुलिस निरीक्षक का कहना है कि कार्रवाई की जाती है मगर फिर से वे अपना दुकान लगा देते हैं। ड्रग्स विषय नहीं है, कारण मंदिर जो शाळेला मॅडम ने सांगितलं की 100 मीटरच्या आत कुठले दुकान वगैरे लागायला नाही पाहिजे, परंतु आम्ही नेहमी त्यांच्यावर कारवाई करत असतो। आणि ड्रग्स वगैरे नाही, परंतु ते जे टपरी आहे शाळेच्या बाजूला त्या ठिकाणी जे दुकान करता गाडा दिलेला आहे तर ते त्यांना प्रतिबंध करायला पाहिजे, कारण ते तिथे हॉटेल असल्यामुळे कोणीही तिथे जाऊ शकतात त्या हॉटेलमध्ये। ते त्यावर ते इनएमसीने कारवाई करणं आवश्यक आहे। तसेच जे दर शनिवारला या ठिकाणी बाजार भरतो तर ते एनएमसीकडून काही लोकांना ते हाकर्सना परमिट दिलेले आहेत, तर त्याचा ते गैरवापर करतात। कारण ते हाकर्सना असं आहे की ते चालतं फिरतं तुम्ही धंदा करा, परंतु त्या ठिकाणी ते लोक
रोडच्या किनारे बसून ते दुकान लावतात, त्यामुळे शनिवार दिवशी विशेष करून मुलांना ते त्रास होत असतो. आम्ही वारंवार त्यांच्यावर कारवाई केलेली आहे. हा विषय आहे NMC चं दुकान लावणं. आम्ही प्रत्यक्ष ते जे उपायुक्त आहेत Zone 4 यांच्यासोबत आम्ही वारंवार या शनिवारला येऊन दुकानं हटवलेले आहेत. पुढेसुद्धा ह्या शाळेच्या समोर कोणी बसणार नाही आणि त्यावर आम्ही बरेचसे त्या दुकानदारांना नेहमी हटवत असतो. दर शनिवारला आमची गाडी इथं लागलेली असतो बंदोबस्तला. आणि आता 12वी आणि 10वीची परीक्षा होणार आहे आणि असं बी त्या ठिकाणी त्यांना 12वीचं चालू आहे परीक्षा आणि आता समोर 10वीचं होईल आणि त्या ठिकाणी आमचा व्यवस्थित बंदोबस्त राहतो. कुठलाही प्रकारे अनुचित प्रकरण होणार नाही हे पोलीस डिपार्टमेंटचे हे विशेष करून त्याला खबरदारी घेतलेली आहे. आणि दर शनिवारला जे बाजार भरतो त्या ठिकाणी आता हा जो परिसर आहे याच्यापूर्वीसुद्धा दुकान सगळं हटवण्यात आलेले आहेत. प्रश्न राहिलेला आहे शनिवारी बाजार, तो महत्त्वाचा आहे. तर शनिवारलासुद्धा इथं कोणी बसणार नाही आणि मी तसं दर शनिवारला इथं बंदोबस्त लावतो आणि शनिवारला आता दुकाने लागणारच नाही यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. आणि जरी ऐकले नाही NMC ना सोबत घेऊन त्यांच्यावर कारवाई करू. गांधी आंदोलन पर बैठे छात्रों से बात की तो उन्होंने बताया कि इस बाजार से काफ़ी समस्या होती है. स्कूल में बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं इसके वजह से. मतलब मैडम ने बताया कि जाने नहीं मिलता, छेड़ निकालते हैं एंड ऑल. और फिर अलग अलग चीज़ें भी करते हैं कभी कभार, तो मतलब धमकाते भी है. एंड इसकी वजह से तो कभी कभार डर भी लगता है कि यहाँ से पैदल जाए या ना जाए. इस मामले में सभी लोक प्रतिनिधि ने राजकारण छोड़ सकारात्मक देख इस समस्या का समाधान करना चाहिए. कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागड़े के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट.